सब्सक्राइब कीजिए प्रॉपर्टी फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए जिससे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का प्रॉपर्टी फॉर यू के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 BHK का हाउस दिखाने वाले हैं जिसका लोकेशन आप लोगों को मिलता है बोरसी दुर्ग में। बहुत ही अच्छे लोकेशन में आपको ये घर देखने को मिल जाता है दोस्तों। साथ ही इसका जो प्लॉट एरिया है आपको 1200 स्क्वायर फीट का मिल जाता है और बिल्डअप की अगर मैं बात करूँ तो टोटल आपको सुपर बिल्डअप एरिया 2000 स्क्वायर फीट के आसपास मिल जाता है। और इस घर का सारा डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। तो अभी चलते हैं हम अपने घर के अंदर, देखते हैं कि घर आपको अंदर से कैसा मिल जाता है। तो ये आपका पार्किंग एरिया हो गया और जैसा आप वीडियो में देख रहे काफ़ी स्पेसियस आपको जो है पार्किंग एरिया इस घर में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी बड़ा आपको पार्किंग स्पेस आपको इस घर में देखने को मिलता है जहाँ पे आप आराम से अपने कार जो है वो पार्क कर सकते हैं। साथ ही इस पार्किंग एरिया में आपको 2 नल कनेक्शंस भी मिल जाते हैं। तो ये तो था हमारा पार्किंग एरिया। अभी हम चलते हैं अंदर, देखते हैं कि अंदर से आपको घर कैसा मिल जाता है। साथ ही इस घर में आपको जो है पर्सनल बोर भी दिया गया है, तो पानी की किसी भी तरह की आपको इस घर में समस्या नहीं होने वाली है। अभी चलते हैं हम अपने घर के अंदर। तो ये है आपका लिविंग एरिया, आप इसे हॉल भी बोल सकते हैं। और हॉल में भी काफ़ी बढ़िया ऊपर आप फॉल सीलिंग वगैरह जो है वो देख सकते हैं। साथ ही वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे सामने बड़ी सी विंडो देखने को मिल जाती है जहाँ पे आपको 3 ट्रैक पैनल मिलेंगे। और ये आपका हॉल है दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे काफ़ी बड़ा आपको हॉल का एरिया मिल जाता है। तो यहाँ पे स्पेस की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। साथ ही यहाँ पे भी आपको वेंटिलेशन के लिए बड़ी सी विंडो दी गई है। यहाँ पे आपको वॉश बेसिन दिया गया है। साथ ही वॉश बेसिन के साइड में ही आपको कॉमन वॉशरूम भी देखने को मिल जाता है। और इस वॉशरूम में भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिलता है। साथ ही सभी तरह की फिटिंग जो है आपको वॉशरूम में देखने को मिल जाएगी। ये तो था हमारा कॉमन वॉशरूम। अभी हम देखते हैं हमारा फर्स्ट बेडरूम कि आपको फर्स्ट बेडरूम कैसा मिलता है। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है दोस्तों। यहाँ पे लाइट की थोड़ी सी दिक्कत थी, इस वजह से वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं आ पाएगा, तो उसके लिए अब माफ़ी चाहता हूँ। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल सीलिंग वगैरह सभी चीज़ें हैं। साथ ही सामने आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो भी देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ सभी बेडरूम में आपको वार्डरोब भी बना के दिया गया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। ये था हमारा पहला बेडरूम। अभी हम चलते हैं हमारे किचन की तरफ, देखते हैं कि किचन में कैसा स्पेस मिलता है। तो ये हमारा किचन है, पूरी मॉडलर किचन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं एज अ टीस आपको ये जो घर मिलने वाला है, यहाँ पे आप स्टील सिंक देख सकते हैं। साथ ही 2 नल कनेक्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये पूरे मॉडलर किचन है यहाँ पे। साथ ही किचन से अटैच जो है आपको वॉशिंग स्पेस भी देखने को मिल जाता है। और वॉशिंग स्पेस भी इस घर में जो है काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा स्पेस आपको मिल जाता है। तो ये तो था हमारा ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर हम देख चुके हैं। अभी हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे सीढ़ी में आपको स्टील की रेलिंग साथ ही ग्लास वर्क देखने को मिल जाता है। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर में। ये है फर्स्ट फ्लोर का लिविंग एरिया। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। सबसे पहले हम अपना बालकनी देख लेते हैं। तो ये है आपका बालकनी। और दोस्तों, बालकनी में भी काफी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है इस घर में। साथ ही यहाँ पे स्टील रेलिंग देखने को मिलती है जिसमें ग्लास का वर्क जो है वो किया गया है। यहाँ पे आपको पूरे स्टील में ग्लास का वर्क जो है देखने को मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए इस घर में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी जगह बड़ी बड़ी आपको विंडोज देखने को मिल जाती है।
तो अभी हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ, देखते हैं कि सेकंड बेडरूम आपको कैसा मिल रहा है इस घर में। ये आपका सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम में भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे भी ऊपर आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं। और इस बेडरूम में भी वार्डरोब दिया गया है, जैसे मैंने पहले ही बताया सभी बेडरूम में आपको वार्डरोब मिल जाता है। साथ ही इस बेडरूम में आपको अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है, जहाँ पे सभी फिटिंग्स आपको मिलती है। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आपको एक विंडो और देखने को मिल जाती है। तो अभी हम लोगों ने देखा था अपना सेकंड बेडरूम, अब हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। तो ये है आपका थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम में भी काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिलता है, साथ ही यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो और काफ़ी खूबसूरत सा फॉल सीलिंग का वर्क भी दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे भी आप फ्रंट में देख सकते हैं वार्डरोब जो है वो दिया गया है। और इस बेडरूम के साथ भी आपको एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है, जहाँ पर सभी फिटिंग्स आपको मिलती हैं। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन स्पेस आपको दिया गया है और यहीं से आपको टेरेस में जाने के लिए सीढ़ी मिलती है। तो दोस्तों ये था हमारा 3 BHK का इंडिविजुअल हाउस, जिसका लोकेशन आपको दुर्ग बोरसी में मिलता है। 1200 के प्लॉट एरिया में आपको ये घर देखने को मिल जाता है। और किसी भी तरह की जानकारी और विजिट के लिए स्क्रीन में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें कॉल करके विजिट कर सकते हैं। तो ये घर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।